जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासरी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से। कुछ बच्चे जिद कर रहे थे सर जी प्रश्नावली नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति करवा दीजिए। तो चलो आज से बेटा हम लोग शुरू करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्या, निर्देशांक ज्यामिति देखेंगे बेटा। निर्देशांक ज्यामिति, तो आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ और चैप्टर का नाम डाल लो, प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति, यह पूरा पढ़ेंगे आज। देखेंगे चैप्टर क्या कह रहा है बेटा, इसमें क्वेश्चन कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है, पूरा टोटल लगाएंगे। ठीक है बाबू, इसके लिए सबसे पहले ये चैप्टर का नाम आप लोग डाल लो और प्रश्नावली लिख लेना। प्रश्नावली कौन सा है, 7.1 लगाएंगे। ठीक है, तो दोनों नोट करो फिर चलते हैं आगे। आए समझ में, तो चलो नोट कर लो फिर चलते हैं आगे। देखेंगे बेटा क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है बेटा, तो कार्तीय तल आप लोग जानते होंगे बेटा, 9th में पढ़े होंगे। एक लाइन अगर खड़ी खींचा जाए, क्या हो, एक खड़ी लाइन खींचा जाए ऐसे कुछ, इसको हम लोग कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, वाई एच, इसको कहते हैं मेरे लाल वाई एच। ठीक है, एक लाइन पट्ट खींचा जाए इसको क्या कहते हैं, यक्ष अच्छ, इसको क्या कहते हैं, यक्ष अच्छ। ए यक्ष अच्छ होता जो पट्ट लाइन होती है बेटा, इसको यक्ष अच्छ कहते हैं। जो खड़ी लाइन होती है बाबू, उसको क्या कहते हैं, वाई एच कहते हैं। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को, और ये सब बाबू क्लास 9th में आप लोग पढ़े थे। ठीक है, एक चीज और, इसको बाबू देखो यहाँ पे चार भाग बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, इसको कहते हैं मेरे लाल, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश, और यह होता है बेटा द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, यह होता है द्वितीय, और यह होता है बेटा कौन सा, तृतीय होता है, और यह होता है बेटा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। और बाबू देखना, इसमें निर्देशांक जो होते हैं कैसे होता है, यक्स कामा वाई के रूप में होते हैं, सब में बेटा यक्स कामा वाई के रूप में होते हैं। यक्स का जो निर्देशांक होता है क्या होता है बेटा, यक्स का निर्देशांक जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग बेटा, उसको कहते हैं भुज, और वाई का निर्देशांक जो होता है मेरे लाल उसको क्या कहते हैं हम लोग बेटा, इसको कहते हैं कोटि। ठीक है, तो वाई का कोट होता है, यक्स का भुज होता है। जैसे 5.7 दे दिया जाए तो 5 जो होगा बेटा वो यक्ष अक्ष का निर्देशांक होगा, किसका होगा, यक्ष अक्ष का, और 7 जो होगा बेटा ये वाई अक्ष का होगा। ठीक है, इसमें अगर भुज पूछेगा तो भुज कितना है, 5 होगा, और कोटि अगर पूछ ले बेटा तो कोटि कितना होगा, कोटि हो जाएगा 7। ठीक है, एक चीज और मेरे लाल, क्या होता है कि वाई अक्ष जो होता है और यक्ष अक्ष जो होता है, यक्ष अक्ष को क्या कहते हैं बेटा, यक्ष अक्ष जो होता है इसको क्या कहते हैं, भुजाक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, भुजाक्ष, और वाई अक्ष जो होता है बेटा इसको कोटि अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि अक्ष। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको कोटि अक्ष कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, भुजाक्ष कहते हैं। यक्ष के निर्देशांक को भुज और वाई के निर्देशांक को क्या कहते हैं बेटा, कोटि कहते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और ये सब आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़े रहे होंगे। ठीक है, तो चलो आगे बेटा, एक देखना यहाँ पे जो बनता है बेटा, देखो यहाँ पे इधर जो होगा, एक मिनट, एक तृतीय और चतुर्थ यहाँ पे बना लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखो बाबू इधर जो संख्या होती है इसको क्या कहते हैं, ये जो मेन पॉइंट होता है, दोनों रेखा एक दूसरे को जहां पे क्रॉस करती हैं, इसको हम कहते हैं मेरे लाल मूल बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं यहां पे लिख दे रहे हैं मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है बेटा, ये होता है 0.0। ठीक है, मूल बिंदु से दाएं की तरफ जब आप जाएंगे, किधर जाएंगे, मूल बिंदु से दाएं की तरफ, जैसे ऐसे हैं, मूल बिंदु से दाएं, बाएं, ऊपर नीचे, इतना समझ में आया। तो दाएं की तरफ जाएंगे बेटा तो वहां पे हर एक मान जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, जितने भी मान होंगे क्या होंगे, पॉजिटिव, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मूल बिंदु से जब बाएं की तरफ आएंगे बेटा तो क्या होगा, वहां का मान निगेटिव होगा, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे बेटा करोगे -1,
माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच होते जाएगा, ठीक है। मूल बिंदु से जब ऊपर की तरफ जाएंगे बेटा तो एक दो तीन चार पांच छह, ये क्या होगा बेटा, मूल बिंदु से जब ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। मूल बिंदु से जब नीचे जाएंगे मेरे लाल तो निगेटिव होगा, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच, नीचे जाएंगे तो क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। अब देखो बाबू प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा, ट्रिक क्या है कि इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो पहला चतुर्थांश क्या होगा बेटा, प्लस कामा प्लस हो जाएगा, मतलब इसमें बेटा भुज भी पॉजिटिव होगा और कोट भी पॉजिटिव होगा, जिसमें भुज प्लस हो और कोट भी क्या हो बेटा, प्लस हो, वो क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश होगा, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे में जब आओगे बेटा तो पहले x अक्ष का लिया जाता है, x कामा y ही रहता है ना मेरे लाल, तो देखो x इधर आएगा तो इधर माइनस होगा, y ऊपर वाला लिया जाएगा तो प्लस होगा, तो जिसमें बेटा भुज क्या हो, माइनस निगेटिव हो, और कोटि जो है बेटा मेरे लाल क्या हो, पॉजिटिव हो, वो क्या होता है, दूसरा चतुर्थांश होता है, यह पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरे में आओगे बेटा फिर x कामा y ही लिया जाएगा, तो x कामा y के लिए बेटा x अक्ष का लिया जाएगा तो निगेटिव है, और y का बेटा नीचे वाला लिया जाएगा तो ये भी क्या है, निगेटिव है, तो जिसमें भुज क्या हो, निगेटिव हो, और कोट जो है वो भी क्या हो बेटा, निगेटिव हो, तो कौन सा चतुर्थांश रहेगा, तीसरा रहेगा। अब बाबू इसमें जब आओगे तो x कामा वाई रहेगा, ठीक, x देखो पहला एक्टिव है, यहाँ वाई क्या है, निगेटिव है, जिसमें भुज पॉजिटिव हो, क्या हो, भुज प्लस हो, और कोटि क्या हो बेटा, कोटि माइनस हो, वो क्या होता है, चतुर्थ चतुर्थांश होता है। उम्मीद करना है बेटा इतना आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, एकदम इतना समझ के क्वेश्चन में क्या करोगे, तहलका मचा दोगे, हल्ला बोल कर दोगे, आओ ठीक है, इतना समझ में आया बेटा। अब बाबू प्रश्नावली जो 7.1 है, आप लोगों को बता दें जो प्रश्नावली नंबर 7.1 है, टोटल क्वेश्चन जितने भी हैं बस इसी पे है, इससे आगे एक भी नहीं, चार क्वेश्चन है मेरे लाल, चारों इसी में से इतने पे खत्म हो जाएगा, बीच की दूरी क्षेत्रफल और सब जो है वो आगे के 7.2 में काम आएंगे, तो उसको वहां पे हम लोग पढ़ेंगे पूरे डेरिवेशन के साथ एकदम बेस्ट तरीके से, ठीक है। तो आ जाओ चेहरे पे मुस्कान के साथ यहाँ पे क्वेश्चन लगाते हैं बेटा, तो क्वेश्चन नंबर लिखते हैं पहला, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न बिंदु किस चतुर्थांश अथवा किस अथवा अक्ष पर स्थित है, चलो ठीक है बेटा, किस चतुर्थांश और किस अक्ष पर स्थित है, थोड़ा सा और अक्ष का नाम ले लिया, तो देखो बेटा यहां पे ए वाई अक्ष है, ए क्या है बेटा यक्स अक्ष है, एक मिनट लगेगा बस, एक मिनट की बजाय कितना भी मिनट लगे, बोलना तो एक ही मिनट बोला तो एक ही मिनट जाता है ना, है कि नहीं। तो बेटा देखना, अगर कोई रेखा, कोई रेखा वाई अक्ष के समांतर है, मान लो एक रेखा खींच रहे हैं बेटा वाई अक्ष के समांतर खींचती है, इतने बड़ा खींचे, तो क्या होगा बेटा, कोई रेखा अगर वाई अक्ष के समांतर खींचा जाएगा तो x अक्ष के क्या होगा, लंबवत होगा, x अक्ष पे क्या होगा बेटा, लंब होगा, और ध्यान देना अगर कोई रेखा x अक्ष पे लंब होगा तो वह y अक्ष के समांतर होगा ही होगा, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ठीक है बेटा। अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर खींचा जाए, x अक्ष के समांतर, तो वह रेखा y अक्ष के क्या होगा बेटा, लंबवत होगा, तो मतलब अगर कोई रेखा y अक्ष के लंबवत है तो ऑटोमेटिक x अक्ष के लंबवत होगा ही होगा, ठीक है बेटा, एक चीज समझ में आ गया। दूसरा बाबू अगर कहीं पे निर्देशांक यक्स कामा जीरो दिया हो, यक्स कामा जीरो दिया हो, तो बेटा कहां पे रहेगा वह, यक्स अक्ष पे रहेगा, वहां मान जीरो, वह बराबर जीरो, तो कहां पे रहेगा, यक्स अक्ष पर, ठीक है। और कहीं पे जीरो कामा वाई दिया हो तो मतलब यक्स कामा जीरो, तो कहां पे रहेगा बेटा, किस अक्ष पे रहेगा, बिंदु वाई अक्ष पे रहेगा, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे लाल। यहां पे हम कोपचे में, कहां पे, कोपचे में लिख दे रहे हैं, यक्स बराबर जीरो तो वाई अक्ष, और मेरे लाल वाई बराबर जीरो तो कहां पे होगा, यक्स अक्ष पे, ठीक है, इतना समझ में आया होगा।
तो हम थोड़ा सा आप लोगों के कष्ट के लिए खेद है क्योंकि इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ चलो। तो बेटा कितने क्वेश्चन इसमें हैं? पहले में 8 हैं। वाह क्या बात है। पहला दिया है बेटा 1, 2। दूसरा दिया है, क्या दिया है? 2, -1। 2, -1। तीसरा दिया है बाबू -1, -2। तीसरा दिया है -1, -2। चौथा दिया है बाबू -2, 1। चौथा दिया है -2, 1। पांचवा क्या दिया मेरे लाल? पांचवा दिया है 1, 0। 1, 0। छठवां क्या दिया है मेरे जिगर के टुकड़ों? 0, -2। 0, -2। सातवां क्या दिया है बेटा? देख लो सातवां। सातवां दिया है -1, 0। और आठवां क्या दिया है बेटा? आठवां दिया है, चलो आठवां दिया है बेटा 0, 2। ये तो बाबू मेरे लाल क्या है? क्वेश्चन है। क्या पूछा है पढ़ के बताओ जल्दी से। खड़े हो और पढ़ो। क्या कह रहा है देखो, निम्न बिंदु किस चतुर्थांश अथवा किस अक्ष पर है बताना है। तो देखो बेटा यहां पर क्या दिख रहा है, एक्स अक्ष पॉजिटिव, एक्स वाला एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है बेटा। तो जब दोनों पॉजिटिव है तो किसमें होगा बेटा? प्रथम चतुर्थांश में। किसमें होगा? प्रथम चतुर्थांश में। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना बेटा प्रथम चतुर्थांश। ठीक है बेटा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब दोनों पॉजिटिव तो प्रथम चतुर्थांश, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। तो पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, देखो बेटा एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव है कि नहीं है, किसमें होगा? चतुर्थ चतुर्थांश में। किसमें होगा बेटा? चतुर्थ चतुर्थांश में। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है बेटा, पहला निगेटिव दूसरा भी निगेटिव, दोनों माइनस माइनस है, तो किसमें है बेटा? तीसरे में है। क्या हो जाएगा बेटा? ये तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव किसमें होगा बेटा? यह द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। किसमें होगा? द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। पहला यक्ष अक्ष का मान है वाई जीरो, तो यक्ष है बेटा वाई जीरो, तो वाई बराबर जीरो यक्ष अक्ष पे, वाई बराबर जीरो रहेगा तो किस पे होगा बेटा? ए यक्ष अक्ष पे। ठीक है, यक्ष जीरो हो, वाई का मान है, तो क्या है बेटा? ये होगा ओ वाई अक्ष पे। ठीक है, यक्ष का मान है वाई जीरो है बेटा, तो यह भी हो जाएगा यक्ष अक्ष पे। ठीक है, यहाँ पे वाई का वैल्यू है, तो बेटा ये कहाँ पे होगा? वाई अक्ष पे। ठीक है, ये हो गया बेटा इसका आंसर। तो पहला क्वेश्चन आप लोग लिख लो, एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद एक बार निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग क्या करोगे? तहलका मचा दोगे। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाएंगे। ठीक है, तो इसको मिटाएं मेरे लाल, आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरे पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा उसको भी लगा लिया जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या कह रहा है बाबू क्वेश्चन नंबर दूसरा? कह रहा है संलग्न चित्र में 2a भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बेटा संलग्न चित्र दिया है ऐसे कुछ इस प्रकार, y अक्ष है, ए अक्ष अक्ष है, और यहां से ऐसे कुछ गया। आप लोग सही से बनाना, ठीक है, मैं ऐसे बिना स्केल स्केल के बना दे रहे हैं। और यहाँ पे बेटा मूल बिंदु है 0, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ओ लिया है शायद, और यहाँ पे ए लिया है इसका 2a, 0 है, और यहाँ पे बी लिया है। ठीक है बेटा, और चलो ठीक है, यहां से एक लंब डाला है, यल की हम लिया, क्या लिया बेटा? यल लिया। कहा है इसके निर्देशांक बताइए बेटा? 0, 0 हो गया है, 2a, 0 हो गया, बताना सिर्फ बी वाले बिंदु का। और बोला बेटा 2a भुजा, यह भी हो जाएगा इसका 2a भुजा बेटा, यह भी हो जाएगा 2a, ये टोटल हो जाएगा 2a बेटा। इतना करोगे ये होगा a, और ये इतना हो जाएगा a। ठीक है बेटा, तो यहां से यहां तक की दूरी, तो बेटा x अक्ष का तो निकल गया कितना होगा a, ऊंचाई निकाल लो, रख दो, बता दो बेटा कितना होगा।
तो देखना अगर हम त्रिभुज ले लें, कौन सा त्रिभुज ले लें बेटा, बी एल ए में, तो यहां पे देखो 90 अंश लंब है ना बेटा, तो 90 अंश बनेगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे बी ओ एल लेना या बी एल ए में, ए बी एल लिख दे रहे हैं, ठीक है बेटा। तो त्रिभुज ए एल बी में, ठीक है बेटा, लगाना क्या पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस गोरस प्रमेय से होगा क्या बेटा, पाइथागोरस जब प्रमेय लगाओगे तो कर्ण का वर्ग मतलब बेटा सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर होगा बेटा किसके, बी एल का स्क्वायर और ए एल का स्क्वायर, बी एल का स्क्वायर और प्लस बेटा ए एल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है। इसका भुजा पता है बेटा कितना है, 2a, तो हो जाएगा 2a का स्क्वायर, bl हमको नहीं पता है बेटा, bl का स्क्वायर, al पता है बेटा कितना है, a है, तो हो जाएगा a का स्क्वायर, कर लोगे बेटा इतना। तो यहां पे 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर बराबर bl स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर इधर आएगा बेटा तो क्या होगा, bl स्क्वायर बराबर 4 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो बी एल स्क्वायर बराबर 3 ए स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो बी एल बराबर कितना होगा बेटा, कर्णी में 3 ए हो जाएगा बी एल का मान, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया वाश बाबू। इसका निर्देशांक हो जाएगा कितना, कर्णी में 3 ए। इसके निर्देशांक कौन कौन से होंगे बेटा, बिंदु ओ का मूल बिंदु है इस कारण हो जाएगा 0,0, ए का खुद दिया है बेटा 2a,0 और बी का आ गया बेटा, देखो यहां से इतने दूर है ना, तो x का कितना होगा a होगा, तो ये हो जाएगा a और y का निकल गया बेटा √3a। तीनों बिंदु के निर्देशांक हो गए इसके पता, ठीक है। तो चलो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी नोट कर लो और यह भी हो गया खत्म। तो चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको पहले आप लोग जल्दी से नोट कर लो फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा लगाते हैं। इसको मिटाएं बेटा यहां से, नहीं तो इतना इंक खत्म होगा, नहीं फिर लिखना पड़ेगा क्वेश्चन, और क्या करना चाहिए लाइफ में, हर एक चीज बचाना चाहिए, है कि नहीं। आ जाओ मेरे जिगर के टुकड़ों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बाबू, कि उस आयत के शीर्ष के निर्देशांक लिखिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रम से 5 मात्रक और 3 मात्रक है, ठीक है बेटा। लंबाई दिया है कितना, 5 मात्रक, ठीक है 5 मात्रक, कोई बात नहीं बेटा। और चौड़ाई दिया है मेरे लाल कितना दिया है, 3 मात्रक, ठीक है। एक शीर्ष मूल बिंदु पर स्थित है, ठीक है बेटा। तो देखो ए वाई एच ए एक्स एच, ठीक है बेटा, इसका एक शीर्ष मूल बिंदु पर स्थित है, एक क्या है आयत है बेटा जिसका एक शीर्ष मूल बिंदु पर स्थित है, इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,0। मान लिया मूल बिंदु कौन सा है, ओ है, ठीक है कोई बात नहीं, स्थित है। आ जाओ आगे, लंबी भुजा एक्स अक्ष पर स्थित है तथा इसमें से एक शीर्ष तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, बेटा लंबी भुजा एक्स अक्ष और एक शीर्ष तीसरे चतुर्थांश, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा चतुर्थांश यही होगा कहीं पे, एक शीर्ष यहां पे है बेटा और सबसे लंबी भुजा जो है बेटा कहां पे है, इसी एक्स अक्ष पे है। तो यहाँ पे बेटा मान लिया यहाँ पे आ रहा कितना, 5 मात्रक, क्या आ रहा है, 5 मात्रक, तो इससे इसको हम मिला देंगे, मिल गया बेटा, इससे इसको हम मिला देंगे, ठीक है, ये बन गया आयत, इसी प्रकार बनेगा। थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, इसके ऐसे बनाना सही बनेगा, ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा ऐसे भाग गया, पकड़ के रखना भागने ना पाए। तो इसका नाम देना ए, इसका नाम दे देना बेटा बी, ओ इसका नाम सी, यहां से यहां तक का 5 मात्रक है बेटा, तो यहां से यहां तक का भी 5 मात्रक होगा, और दूसरा बोला बेटा चौड़ाई 3, तो यह 3 मात्रक होगा क्योंकि आयत है, तो यह भी 3 मात्रक हो जाएगा, हो जाएगा ना, इतना तो समझ में आया होगा। तो इसके निर्देशांक बताना है बेटा, तो देखो पहला तो 0,0 हो गया, दूसरा बेटा कहां पे है, देखो वो एक्स अक्ष पे है, तो एक्स अक्ष पे क्या होगा, 5,0, एक्स अक्ष पे वाई का मान 0। अब बाबू इधर है एक चीज देखना, इधर है तो इधर माइनस होगा, -5 होगा, ठीक है। इधर आओगे तीसरे में बेटा एक्स और वाई दोनों का मान माइनस होता है, तो एक्स का मान कितना बेटा, -5 और वाई का मान हो जाएगा -3। इसका करोगे बेटा कितना होगा, इसका करोगे एक्स का मान कितना होगा बेटा, एक्स अक्ष पे ही नहीं है तो 0, और वाई का मान कितना होगा बेटा, माइनस
तीन, क्यों? क्योंकि नीचे है। तो सबके इसके निर्देशांक लिख दो, क्या क्या होगा बेटा, जीरो कामा जीरो और हो जाएगा माइनस पांच कामा जीरो और माइनस पांच कामा माइनस तीन और होगा जीरो कामा माइनस तीन, ये हो जाएगा इसके मान। ठीक है, चलो चलो ठीक है, इतना कर लोगे बेटा। तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, आ जाओ चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, चार नंबर क्वेश्चन, आ जाओ चौथे नंबर क्वेश्चन बेटा। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, माना ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दो है, ए दो ए है, वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें बेटा दो क्वेश्चन दिया है और वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई दो ए दिया है। ठीक है, पहला दिया बेटा ए मूल बिंदु है तथा ए बी सी डी ओ एक्स ओ वाई के साथ हैं। ठीक है बेटा, ओ एक्स ओ वाई के साथ हैं। ए क्या है बेटा, मूल बिंदु है और ए बी और क्या दिया बेटा, ए बी और ए डी ओ एक्स और ओ वाई के ए मूल बिंदु है बेटा, इसमें दिया ए मूल बिंदु है। ठीक है, तो एक बाबू इसे बना लें वाई एच, ए बना लें यक्स एच, ए वाई एच ए यक्स एच। ठीक है, ए यक्स एच हो जाएगा और ए हो जाएगा वाई एच। ठीक है, अब बाबू जब करोगे तो ए दिया है मूल बिंदु, ए दिया बेटा कितना मूल बिंदु, ए हो जाएगा बेटा ए, क्या दिया है मूल बिंदु का निर्देशांक होता है जीरो कामा जीरो। अब बाबू कितना बोला है कि भुजा दो ए है, ठीक है ए यहां पे मान लिया बेटा बी और यहां पे मान लिया सी और यहां पे मान लिया बेटा डी। ठीक है, इसको मिला देना, ए ऐसे मिलेगा, ए ऐसे और ऐसे मिला है, थोड़ा सीधा बनाना बेटा वर्ग हो, तो इसका निर्देशांक होगा जीरो कामा जीरो, इसका हो जाएगा बेटा वाई एच, एक्स एच पे है तो कितना होगा ए दो ए कामा जीरो, इसका बेटा दोनों सब तरफ से है तो दो ए कामा दो ए हो जाएगा और वाई एच पे है तो बेटा जीरो कामा दो ए हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है बेटा, दूसरा इसमें कह रहा है कि वर्ग का केंद्र मूल बिंदु है तथा निर्देशांक यक्स एच भुजा ए बी और ए डी के समांतर है। ठीक है बेटा, ए बी और ए डी के क्या है, समांतर है, कोई बात नहीं बेटा, ए बेटा वाई एच है, ए यक्स एच है, मूल बिंदु है और वर्ग का केंद्र जो है बेटा मूल बिंदु है, तो वर्ग जो बनेगा बाबू ऐसे कुछ बनेगा, कुछ इस टाइप बनेगा। ठीक है, पूरा का पूरा दो ए है, पूरा दो ए है बेटा, यह भी पूरा दो ए रहेगा, यह भी पूरा दो ए रहेगा और यह भी पूरा दो ए रहेगा। ठीक है, तो यहां से करोगे बेटा तो ए हो जाएगा बेटा ए बी, ए बी सी और डी, मान लिया इस प्रकार होगा तो बाबू यह इतना भुजा कितना होगा, ए हो जाएगा, ए हो ए हो जाएगा, ए इतना ए होगा, यह भी हो जाएगा ए, यह भी हो जाएगा ए और यह भी होगा ए, यह भी हो जाएगा ए और यह भी हो जाएगा ए। ठीक है, इतना कर लोगे बाबू, इतना करने के बाद चारों के निर्देशांक लिखना है, क्या लिखना है बेटा, चारों के निर्देशांक, तो चारों के जब निर्देशांक लिखोगे बेटा ए का हो जाएगा, देखना ए का होगा कितना, तीसरे में है तो माइनस ए कामा माइनस ए होगा, माइनस ए कामा माइनस ए। ठीक है, यहां पे कितना होगा बी, कहां गया बी का, बी का हो जाएगा बेटा कितना, बी का इसमें है तो पहला वाला माइनस ए कामा ए, सी का क्या होगा बेटा, सी का होगा दोनों इसमें है तो ए कामा ए, और डी का क्या होगा बेटा, डी का पहला पॉजिटिव ए कामा माइनस ए, ए हो जाएंगे बेटा इसके निर्देशांक। इसी के साथ बेटा प्रश्नावली 7.1 क्या हो गया, खत्म हो गया। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसी के साथ बेटा हम चलते हैं फिर अगले, हाँ अगला चैप्टर अगले वीडियो में लगाएंगे। थैंक यू सो मच।